रविंद्र जडेजा जब मैदान पर होते हैं तो कुछ भी हो सकता है और उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। रविवार को एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि खेल के हर आयाम में वो प्रभाव छोड़ते हैं। उन्होंने रविवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मोहम्मद शमी की गेंद पर नील वैगनर का लाजवाब कैच लपका। शमी ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैगनर ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पुल किया। गेंद हवा में गई लेकिन जडेजा ने छलांग लगाते हुए एक हाथ से चमत्कारिक कैच पकड़ लिया। उन्होंने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपने बाएं हाथ फैला दिया। जडेजा ने रिवर्स कप में दमदार कैच लपक लिया। शमी, वैगनर और खुद जडेजा को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। जडेजा के कैच ने वैगनर और काइल जेमिसन की साझेदारी का अंत किया। दोनों ने 51 रनों की साझेदारी की। न्यूजीलैंड की पहली पारी में 235 रन पर सिमट गई। वहीं भारत के स्कोर 242 रन से वो 7 रन पीछे रह गई। न्यूजीलैंड की ओर से जेमिसन ने 49 रनों की पारी खेली और न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट पर 153 रन था। आखिरी 3 विकेट के लिए उसने 82 रन जोड़ डाले। लेकिन जडेजा ने बॉलिंग में भी कमाल दिखाया और 2 विकेट अपने नाम किए। जिस तरह का कैच जडेजा ने लपका वो बेहद शानदार था। हालांकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर पूरे तरीके से यहां पर ढेर होते नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह रही कि जडेजा के इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है, खासतौर पर तब जडेजा को पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया था। दूसरे टेस्ट में उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें आप टीम से बाहर नहीं रख सकते। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।